Hello everyone, this is me, Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Sigmund Freud's theory of personality development. So let's start. सिगमंड फ्रायड की थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड जो है वो 6 मई 1856 को वियना में पैदा हुए थे। और वियना जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। ही बिलोंग्स टू ज्यूइश मिडिल क्लास फैमिली। वो एक यहूदी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर जो थे वो ताजर थे और मदर जो थी वो हाउस वाइफ। सिगमंड फ्रायड जो है वो शेक्सपियर और डार्विन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने मेडिकल के साथ साथ फिलोसफी वगैरह को भी डीपली स्टडी किया, यानी लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट था। और 1882 से 1885 में उन्होंने क्लिनिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ली वियना में ही। 1885 से 1886 में वो पेरिस चले गए और एक न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। और उन न्यूरोलॉजिस्ट का नेम था जीन मार्टिन। सिगमंड फ्रायड जो है वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस उन्हें कहा जाता है। और 23 सितंबर 1939 में 83 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो ये उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं और इसके अलावा साइकोडायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है इसको। ये थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाम पर गौर करते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या वजूहत हैं और सिगमंड फ्रायड ने ये क्यों थ्योरी पेश की। तो सबसे पहले है साइको एनालिटिकल। साइको एनालिसिस क्या होता है? ये बेसिकली हमारे माइंड की अनकॉन्शियस स्टेट से डील कर रही होती है। माइंड की अनकॉन्शियस स्टेट क्या होती है? जहाँ आप किसी भी फिनोमिना से बिल्कुल अनअवेयर हो या बिल्कुल कोई फिनोमिना हुआ और आप बिल्कुल भूल चुके हों, वो तो वो आपकी अनकॉन्शियस स्टेट होगी। सिगमंड फ्रायड ने अपनी इस पर्सनैलिटी थ्योरी के जरिए चैलेंज किया कूले और मीड को, और उन्होंने कहा कि इन दोनों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में माइंड के कॉन्शियस स्टेट को डिस्कस किया है, जबकि सिगमंड फ्रायड के मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसके अनकॉन्शियस पार्ट की वजह से, यानी ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट है वही उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है। तो साइको एनालिसिस क्या है कि हमारे माइंड की अनकॉन्शियस स्टेट को कॉन्शियस स्टेट में लाना, ये जो है साइको एनालिसिस में होता है। और सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्यों कहा जाती है? हमारे अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो फ्रायड ने इंसान की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन अच्छाइयों और बुराइयों को उसने जो है वो टर्म से लेबल कर दिया, इड, ईगो, सुपर ईगो वगैरह से। इससे पहले हम ये बात देख लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने ये थ्योरी क्यों पेश की, ऐसी क्या वजूहत थी कि उन्हें ये थ्योरी देना पड़ी। सिगमंड फ्रायड के जो फादर थे उन्होंने एक्चुअली 2 शादियां की हुई थी और उनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि वो मेंटली या इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रहते थे। तो उन्होंने एजुकेशन में ऐसी फील्ड चूज़ की जो उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी उन्हें देती थी। तो यानी उनके घर के हालात ऐसे थे जिसने उन्हें मजबूर किया ये थ्योरी देने पे। माइंड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इड को। इड को इड भी बोला जाता है और ये एक लैटिन वर्ड इड से डिराइव किया गया है। इड जो है ये प्लेयर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका एम जो होता है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है या इंस्टेंट हैप्पीनेस या प्लेयर को डिराइव करना होता है। इड जो है ये हमारे आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी का एक नेगेटिव कंपोनेंट है जो सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपनी खुशी चाहता है। और ये हमारी पर्सनालिटी का वो कंपोनेंट है कि जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर पाया जाता है। इड को इस चीज़ से बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करने से पहले वो ये नहीं देखता कि ये सोशली एक्सेप्टेड है या नहीं है, सोसाइटी इसको किस तरह से देखेगी। इसने बस अपनी प्लेयर प्रिंसिपल पर वर्क करना है और जिस चीज़ से इसको खुशी मिलेगी वही इसने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट गए हुए आपको प्यास लगी है तो आप वेट नहीं करोगे कि कोई वेटर आए, आप किसी को कहो कि मुझे पानी ला दो, आप वेट नहीं करोगे, बल्कि सामने वाले टेबल पे अगर कोई बंदा बैठा है और वो पानी पी रहा है तो आप फौरन से जाकर उसे छीन के पी लोगे। ये आपकी इड होगी, यानी कि आप बिल्कुल वेट नहीं करोगे, आपको इंस्टेंट प्लेयर चाहिए होगी। इसमें हमारे बायोलॉजिकल अर्जेस भी आ जाते हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स वगैरह, ये जो है ये इंसान के बायोलॉजिकल ड्राइव्स है। तो ये जो है वो हमारे इड में आ जाता है। इड जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ईविल है, यानी कि हमारे पर्सनैलिटी का नेगेटिव करेक्टर है वो है एड, यानी जो हमारी पर्सनालिटी में हम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स आती हैं उसको हम रिलेट कर सकते हैं एड के साथ, कि ये वो काम करवाता है जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या जो सेल्फिश होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। हम डिस्कस करते हैं सुपर ईगो को, देन हम देखेंगे ईगो क्या होता है। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो होते हैं मॉरल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, यानी वो चीज़ें जो आप बचपन में 3 से 5 साल के दरमियान सीखते हो, मॉरल्स वगैरह, वो होते हैं सुपर ईगो। ये इड जो है ये इड और सुपर ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक्चुअली इनका डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता लेकिन इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ईगो के थ्रू।
सुपर ईगो क्या है, ये मॉरल्स हैं, यानी अगर इड कहेगा कि कोई बुरा काम करना है तो सुपर ईगो कहेगा नहीं ये नहीं करना। एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ज़मीर भी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर की आवाज़, हमारा ज़मीर जो हमें अंदर से, हमारा जो अच्छा इंसान है, जो मॉरल्स को फॉलो करता है, जो सोसाइटी के मुताबिक चलता है, वो है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है, ये हमारे जो मॉरल्स और वैल्यूज़ होते हैं। अब ये जो मॉरल और वैल्यूज़ जो हैं ये कैसे बनते हैं, 3 से 5 साल के दरमियान बच्चा जो है वो ये चीज़ें सीख कि उसके मॉरल वैल्यूज क्या हैं, पनिशमेंट या अप्रूवल की बेस पे। एग्जांपल अगर कोई बच्चा अपने किसी बड़े से बदतमीजी करता है तो अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे, उसको मना करेंगे कि ये नहीं ठीक, ये नहीं करना, तो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगा कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी, ये बुरी बात है। तो यानी उसके मॉरल्स हो गए कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी। दूसरी तरफ अगर एक बच्चा बदतमीजी करता है और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते तो उसके लिए नॉर्मल होगा बदतमीजी करना, उसके मॉरल्स वैल्यूज में ये चीज़ नहीं होगी कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी। तो ये जो सुपर ईगो में हमारे मॉरल्स वगैरह डिवेलप होते हैं, ये हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल या पनिशमेंट की बेस पे डेवलप हो रहे होते हैं। ईगो जो है ये हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो इड को बुरे कामों से रोकता है। फॉर एग्जांपल अगर अब इड को प्यास लगी थी, इड ने फौरन जाके अटैक किया अगले के टेबल पे और पानी पी लिया, तो ईगो इसको मना करेगा कि ये बदतमीजी है, ये सोशल एक्सेप्टेड नहीं है, तुमने नहीं जाना नहीं पीना। तो सुपर ईगो बिल्कुल जो है वो मॉरल्स पे चलती है, यानी हमारा सुपर ईगो वर्क कर रहा होता है मॉरल प्रिंसिपल। ईगो ईगो जो है वो हमारे इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है। इड बहुत नेगेटिव है और सुपर ईगो बहुत पॉजिटिव है, ये आप कह सकते हो डेविल है या सेंट या एंजल कह लो इसको, सुपर ईगो को। तो ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों को मेंटेन रखता है हमारा ईगो, यानी वो इड को भी सेटिस्फाई रखता है और वो सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई रखता है, वो बीच का रास्ता निकालता है, वो इड को भी मुतमइन कर देगा और सुपर ईगो को भी। तो ईगो जो है ये इन दोनों के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल 3 फ्रेंड्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है वो थोड़ा सा जज्बाती और बदतमीज किस्म का है, वो कहता है कि जो मैं कहूँ वही हो, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती हो तुम दोनों भी वही करो। अब इड कहता है कि रात को हम बाहर डिनर करने चलेंगे, ठीक है, तो सुपर ईगो कहेगा नहीं ये अच्छी बात नहीं है कि लेट नाइट बाहर रहो, पेरेंट्स नाराज़ होते हैं और कल्चर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप लेट नाइट बाहर रहो। तो सुपर ईगो बिल्कुल अगेंस्ट होगा कि हमने नहीं जाना, और इड कहेगा कि हमने जाना है। तो अब ईगो क्या करेगा, ईगो ने इड को भी सेटिस्फाई करना और सुपर ईगो को भी। ईगो कहेगा चलो अच्छा हम चले जाते हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे। अब चले जाते हैं इसमें जो है वो इड खुश हो गया और जल्दी आ जाते हैं इसमें सुपर ईगो खुश हो गया, यानी ईगो जो है वो इन दोनों के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है, दोनों को सेटिस्फाई रखता है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और ये हमारे माइंड की लेयर्स है, हम कह सकते हैं टोपोग्राफी है, जिसमें 3 स्टेजेस हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस स्टेट वो होती है जो प्रेजेंट आपके माइंड में आइडियाज़ वगैरह चल रहे हो, या जो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें याद हो, या जो एट द स्पॉट थिंग्स हो रही हो, वो आपके कॉन्शियस स्टेट में होती है जहाँ बिल्कुल अलर्ट हो। सबकॉन्शियस ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको याद हैं, कुछ कुछ मतलब आपका माइंड काम कर रहा है, जैसे गनूदगी में आप होते हैं, नींद से थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा होश आता है, तो आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा लग रहा होता है ख्वाब है बट वो हकीकत होती है। तो सबकॉन्शियस स्टेट वो होती है जहाँ आपको कुछ मतलब धुंधला धुंधला सा याद होता है, और अनकॉन्शियस स्टेट वो होती है जहाँ आप बिल्कुल किसी भी फिनोमिना से अनअवेयर हो या बिल्कुल कुछ भूल चुके हो। और ये जो सबकॉन्शियस है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है। अब डायरेक्टली अनकॉन्शियस कॉन्शियस में नहीं जा सकता, अनकॉन्शियस पहले सबकॉन्शियस में कन्वर्ट होगा और देन कॉन्शियस में, और कॉन्शियस में भी ये होता है पहले कोई भी चीज़ मेमोरी होती है आपको बिल्कुल ये सही याद होती है, फिर वो सबकॉन्शियस में चली जाती है और देन अनकॉन्शियस में। सिगमंड फ्राइड ने एक्चुअली कहा था कि जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो 3 से 5 साल के दरमियान जब उसकी सुपर ईगो, उसको मॉरल्स वैल्यूज का पता चल रहा होता है तब डिवेलप हो जाती है, और इसी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से इंसान की पर्सनालिटी डिवेलपमेंट होती है। अगर इसको मैं समराइज करूँ तो इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारा जो माइंड है उसकी जो अनकॉन्शियस स्टेट है वही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। यानी जब आप बच्चे होते हैं आपको जो चीज़ सिखाई जाती है कि ये अच्छी है ये बुरी है, 3 से 5 साल की उम्र में बेसिकली आपकी ये सुपर ईगो डेवलप हो जाती है और उसी की बेस पे फर्दर फिर आपकी ये पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो उनका कहना ये था कि ये जो एज होती है इसमें आपको अप्रूवल या पनिशमेंट की बेस पे जो आपके मॉरल्स बन जाते हैं वो आपके अनकॉन्शियस स्टेट में हो रहा होता है, लेकिन वो जो है वही आपकी पर्सनालिटी को बाद में डिवेलप करती है। तो ये था थियरी ऑफ पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।